गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिगेटर गारफिश। तो देखते हैं एलिगेटर गारफिश जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली एलिगेटर गारफिश जो है ये कश्मीर की जो डल लेक जो है वहाँ पर जो है ये पाई गई है। असल में एलिगेटर गारफिश जो होती है ये एक तरीके की इन्वेसिव स्पीसीज जो है ये होती है, और इन्वेसिव स्पीसीज होने के कारण वहाँ की जो अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने अपने कंसर्न्स जो हैं वो रेज़ किए हैं। द लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आर कोलैबोरेटिंग टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वेजन एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट, कि ये जो स्पीसीज जो यहाँ पे पाई गई है ये कितना एक्सटेंट तक जो है ये जो है डल लेक को इन्वेड कर चुकी है। तो इसके बारे में जो है दोनों लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, इन दोनों ने कलेबरेट करके जो है उसको समझने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, ये देखो इस तरीके की आपकी एलिगेटर गारफिश जो है ये नज़र आती है। अब इसके बारे में देखते हैं, एलिगेटर गारफिश के बारे में। एलिगेटर गारफिश इज अ क्लोज रिलेटिव टू द बॉफिन स्पीसीज। इट इज अ रे फिंड यूरेहेलाइन फिश। यूरेहेलाइन फिशेज वो फिशेज होती हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में भी जो है जो इनकी एबिलिटी होती है वाइड रेंज ऑफ जो आपकी सैलिनिटी होती है उसको अडेप्ट करने की, यानी कि ये जो जो आपकी वाटर बॉडीज होती हैं जैसे आपका रिवर्स हो गई या आपकी लेक्स हो गई या ओशंस हो गए, तो इनकी जो सैलिनिटी रेंज होती है वो वेरी करती है। तो इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये जो है वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को अडॉप्ट कर लेती हैं, उन फिशेस को यूरेहेलाइन फिशेस जो है वो कहा जाता है। एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन नॉर्थ अमेरिका एंड द लार्जेस्ट स्पीसीज इन द गार फैमिली। तो ये जो आपकी एलिगेटर गार फिश जो है ये बिगेस्ट फ्रेश वाटर फिश है नॉर्थ अमेरिका की और लार्जेस्ट स्पीसीज है गार फैमिली की। इट इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज भोपाल और केरला। तो भोपाल और केरला जैसे एरियाज में ये फिश जो है ये जनरली पाई जाती है, और ये जो है इनका लाइफ स्पैन 20 से 30 साल तक का जो है वो होता है। प्रोटेक्शन स्टेटस जो है वो देख लेते हैं। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी जो है उसमें रखा हुआ है। अब इसके कंसर्न्स देख लेते हैं, ये क्या क्या कंसर्न है इसके। तो ये फिश जो है ये 8 फीट तक जो है वो ग्रो कर सकती है, और ये जो इंडिजीनियस स्पीसीज जो होती हैं फिशेज की उसके लिए जो है ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है। तो जो इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं वो इंडिजीनियस स्पीसीज को जो है कंज्यूम कर लेती हैं, या उनको जो है जो उनकी इंडिजिनियस जगह जो होती है उनको वहां से भगा देती हैं। ड्यूरिंग विंटर्स दे कैन इवन सस्टेन देमसेल्फ इन द कोल्ड वाटर्स ऑफ डल बिकॉज द टेम्परेचर दे मोस्टली लिव इन इज 11 to 23 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भोपाल और केरला जो है वहां पे ये पाई जाती है, तो वहां का जो एवरेज टेम्परेचर जो रहता है वो 11 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो रहता है पानी का टेम्परेचर। लेकिन डल का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जो है वो चला जाता है सर्दियों में, तो उसके बावजूद भी ये फिशेज जो है वहाँ पे सस्टेन जो है वो कर रही है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का जो है ये प्रोहिबिट करता है प्रेजेंस ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज दैट कुड हार्म नेचुरल फिश पॉपुलेशन। नेक्स्ट थोड़ा सा डल लेक जो है उसके बारे में देख लेते हैं। ये श्रीनगर में जो है ये लेक जो है वहाँ पे पाई जाती है। ये कैपिटल है आपकी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल लेक। दुनिया की जो लार्जेस्ट नेचुरल लेक जो है डल लेक उसमें आती है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर की। इट इज इंटेग्रल टू टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इन कश्मीर एंड इज नेम्ड द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल। तो डल लेक जो है उसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन इन फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर किलोमीटर। तो डल लेक का जो एरिया वो 18 स्क्वायर किलोमीटर है एंड इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल वेटलैंड इंक्लूडिंग इट्स फ्लोटिंग गार्डन। तो वहां पे फ्लोटिंग गार्डन जो है जिनको राड जो है वो कहा जाता है, तो वो जो है वहां पे पाए जाते हैं, जहाँ पे लोटस के फ्लावर्स जो है जुलाई और अगस्त में जो है वो ब्लॉसम करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो एलिगेटर गारफिश के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।